नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत। और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा, देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। मायावती का भाजपा और सपा हमला, कहा साम दाम दंड भेज जैसे अनेकों हथकंडे चुनाव में। यूपी निकाय चुनाव में घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार अभियान में जुटे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रोजाना जनसभाएं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी सक्रिय दिख रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी कि सपा पर हमला बोला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी, जहां डबल इंजन की सरकार वहां बढ़ जाती है विकास की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक चुनाव के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी आप सभी कार्यकर्ताओं और जनता के दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। राज्य में प्रचार करने वाले भाजपा नेता बताते हैं कि प्रचार के दौरान उन्हें लोगों से कितना प्यार मिलता है। ये भाजपा के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाता है। अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने गिराया ड्रोन, आवाज सुनकर की फायरिंग। 2 किलो हेरोइन और अफीम की डिब्बिया बरामद। जी हां, पंजाब के अमृतसर बॉर्डर पर पाकिस्तानी तस्करों की एक और कोशिश बीएसएफ ने नाकाम कर दी। बुधवार वीरवार मध्य रात्रि को जवानों ने फायरिंग का पाकिस्तानी ड्रोन को गिरा दिया। ये ड्रोन रात के समय में नशा तस्करी में प्रयोग किया जा रहा था। बीएसएफ अधिकारियों की तरफ से जारी की गई सूचना के अनुसार रात के समय बटालियन 22 के जवान गश्त पर थे। बीओपी पुल मोरा के समीप मध्यरात्रि को ड्रोन की आवाज सुनाई दी। जवानों ने ड्रोन की आवाज की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। वहीं कुछ ही मिनटों में जवानों ने ड्रोन को गिराने में सफलता हासिल की। पद्मश्री ओलंपियन कौर सिंह का निधन, कुछ दिन पहले ही जीवनी को सिलेबस में किया गया था शामिल। जी हां, ओलंपियन पद्मश्री मुक्केबाज कौर सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने संगरूरू के गांव खन्नाल खुर्द में आखिरी सांस ली। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनकी मौत पर शोक जताया, साथ ही परिवार के साथ हमदर्दी जताई है। कौर सिंह पंजाब के ही नहीं बल्कि भारत के प्रमुख बॉक्सरों में से एक थे। उन्होंने महान खिलाड़ी मोहम्मद अली के साथ फाइट की थी। सिंह ने देश के लिए कई मेडल भी जीते थे। 1982 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार और 1983 में पद्मश्री दिया गया था। उनके जीवन पर पंजाबी फिल्म भी बन चुकी है। खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। परिसर में झूमे हजारों श्रद्धालु। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच भू बैकुंड बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज सुबह गुरुवार सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के बाद इस पावन मौके पर अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु धाम पहुंचे, तो वहीं यात्रा पंडालों पर चहल पहल भी शुरू हो गई। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब।